आज 51 सीटें, आपको बता दें कि आज किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इन 51 सीटों पर आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, जयंत सिन्हा, स्मृति ईरानी, पूनम सिन्हा, शकील अहमद समेत कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। वहीं बिहार के सोनपुर में ईवीएम तोड़ दी गई है, मतदान केंद्र से ईवीएम तोड़ी गई है, 131 पर तोड़ी गई है, ईवीएम तोड़ दी गई है यहां पर। यह सोनपुर की खबर आ रही है, अभी तक की जो खबर आ रही है, यहां पर मतदान केंद्र 131 पर ईवीएम तोड़ी गई है। याद होगा आपको किस तरह से तेलंगाना से भी जब तस्वीरें आई थी पहले या सेकंड चरण में, वहां पर भी ईवीएम तोड़ने की घटना हुई थी। ये ईवीएम किसने तोड़ी है, एग्जैक्टली क्यों तोड़ी गई है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतदान केंद्र जो कि सोनपुर का है, 131 नंबर मतदान केंद्र है बिहार में है ये सोनपुर, जहां पर ये ईवीएम तोड़ने की घटना सामने आई है। 131 नंबर बूथ पर सोनपुर में, जो कि सारण के अंदर आने वाला सेगमेंट है, वहां पर ये ईवीएम तोड़ने की घटना सामने आई है। इसके पहले हमने आपको बताया था कैसे उत्तर प्रदेश में सीतापुर में और मध्य प्रदेश में सतना में ईवीएम की खराबी की बात सामने आई थी। यहां एक छोटा सा ब्रेक ले, आतंकवादियों ने यहां मतदाताओं को डराने की कोशिश की है, लेकिन हम तक जो खबर पहुंच रही है उसके मुताबिक निर्बाध तरीके से यहां अब भी वोटिंग जारी है। क्या इस ग्रेनेड की जद में कोई आया है, क्या इससे किसी को चोट पहुंची है, क्या इससे कोई कैजुअलिटी हुई है, अभी तक इस बारे में इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन अनंतनाग जहां दो चरणों में मतदान हो रहे हैं, वहां के दो डिस्ट्रिक्ट में, दो जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं। अनंतनाग के शोपिया और पुलवामा से ये खबर आ रही है, जहां और दिनेश पुलवामा वो जगह है, ग्राउंड जीरो है, जहां पर फरवरी 14 का अटैक हुआ था, 44 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है और खास तौर से अनंतनाग में तीन फेजेज में, अलग अलग फेजेज में, अलग अलग हिस्सों में बांट के यहां पर वोटिंग कराई जा रही है। इसके बावजूद इस तरह की ग्रेनेड हर्ल जो की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। और आपको हम लगातार आज हो रहे 51 सीटों पर मतदान की खबरें दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको पुलवामा में हुए ग्रेनेड अटैक के बारे में यह जानकारी दे दें कि वहां मतदान के दौरान ग्रेनेड अटैक किया गया है, लोगों को डराने धमकाने के लिहाज से, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद अपना उत्साह बरकरार रखा है और वहां मतदान निर्बाध जारी है। अभी तक इंजरीज या कोई कैजुअल्टी की खबर नहीं है और ये अच्छी बात है, कोई भी इंजर नहीं हुआ है, ये प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। हालांकि इस कैजुअल्टी की खबर नहीं है और ये अच्छी बात है, कोई भी इंजर नहीं हुआ है, ये प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक। हालांकि इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और बहुत बड़ा चैलेंज है पुलवामा, जो खास तौर से इतने बड़े आतंकी निशाने और हमले का जो है वो वहां पर हुआ था, 44 सीआरपीएफ जवान वहां पर शहीद हुए थे, जिसके बाद एयर स्ट्राइक्स भारत की तरफ से की गई थी। अब उसी पुलवामा में एक बार फिर से ग्रेनेड अटैक हुआ है, ये खबर आ रही है और जैसे ही इस पर कोई अपडेट मिलता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 51 सीटों में से दो लद्दाख और अनंतनाग पर यहां आज मतदान हो रहा है। अनंतनाग जिसमें, जैसा आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया, तीन फेजेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा। और शोपियां और पुलवामा में आज वोटिंग हो रही है। पुलवामा में ग्रेनेड अटैक की ये खबर सामने आई है, लेकिन इसमें क्या किसी को चोट पहुंची है या कोई और नुकसान हुआ है, इस बारे में अब तक इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि पुलवामा, जहां पर सिक्योरिटी 14 फरवरी में हुए अटैक के बाद से वैसे ही बढ़ाई गई है और इस समय तो यहां चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद आतंकियों ने यहां ग्रेनेड हर्ल किया है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही अपडेट मिलेगा इस खबर पर पहुंचाएंगे। बहरहाल झारखंड के हजारीबाग में हंगामा हुआ है, पोलिंग बूथों पर पुलिस ने लोगों को पीटा है, लाठीचार्ज हुआ है, यहां पर उपद्रवियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा है, यह खबर आ रही है। घुड़सवार दस्ते से गड़बड़ी पर हुआ हंगामा,
बूथ के आसपास घूम रहे थे कई संदिग्ध, जिसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आजारी बाग की देख रहे हैं, जहां से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं, जहां से ये खबर आ रही है कि यहां पर एक पोलिंग बूथ एक वहां पर बाहर लाठीचार्ज किया गया है, कुछ संदिग्ध यहां पर घूम रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हजारीबाग से। ये एक हॉटली कंटेस्टेड वीवीआईपी सीट है और आज सुबह जब यशवंत सिन्हा ने यहां पर वोट दिया था दिनेश, तो दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि अपने बेटे को वोट दिया या नहीं दिया। ये बात मनीष ने जोर देकर कही भी कि ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या उनको अब भी ईवीएम में कमल के निशान वाली जो बटन है वो आकर्षित करती है या पे तो नहीं दे दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आज लखनऊ में वोट डाला, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजधानी लखनऊ में वोटिंग शुरू हो गई और हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ यहां पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। क्या अपील है आज जनता से? आज मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, घरों से निकल करके शत प्रतिशत मतदान करें, लोकतंत्र के इस महान पर्व पर अपनी अपनी भूमिका निभाएं और 5 साल के बाद ये अवसर हम सबको मिलता है। और ध्यान रखें कि भारत माता की रक्षा हेतु और डेवलपमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं, भारत के झंडे को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है और मैं अपील करता हूं कि सब लोग आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं क्या कहते हैं कि आपने अपील की कि सब लोग मतदान करने के लिए आए, क्या आपके साथ और कौन कौन लोग आए हुए हैं, क्या पूरी फैमिली आई हुई है? हमारे परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं, हम लोगों ने एक साथ मतदान किया। ये पूरी फैमिली है आपकी? जी। क्या आज सुबह सुबह मतदान करने आई, कुछ नाश्ता वास्ता घर में बना कि सबसे पहले मतदान? अभी कुछ नहीं हुआ है, सबसे पहले बस सबसे पहले मतदान, सबसे पहले मतदान उसके बाद फिर जलपान। बिल्कुल, आज तो सुबह कुछ खाने को मिला नहीं? नहीं। क्या फर्स्ट टाइम वोटर? क्या सोचा आज आपने वोटिंग करते समय? कुछ डर लगा, क्योंकि मुझे लगता है पहली बार वोटिंग करना या हाई स्कूल का एग्जाम देना, कुछ न कुछ दिल धड़कता रहता? डर नहीं था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे लगा है कि हम सब ने बेहतर की है और शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज मैंने निभाई है वो आने वाली हमारी गवर्नमेंट भी वही निभाए, उसी तरीके से निभाए। बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी एक जिम्मेदारी दी थी। फर्स्ट टाइम वोटर? कुछ लगा डर वोटिंग देते समय? एक्साइटमेंट थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वी नीड टू डू इट, अगर हम नहीं करेंगे बाद में वी सेटल फॉर इट एंड विच इज नॉट राइट। आज तो कुछ अच्छा मीठा खाने को मिलेगा, सब लोग ने वोट कर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाते ही अब हम लोग सबसे पहले घर पहुंचेंगे और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और उत्साह मनाएंगे, मतलब हम लोग ये त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल, ये थे ब्रजेश पाठक की पूरी फैमिली, उनकी पत्नी और उनकी दोनों डॉटर्स, जो कि उनके साथ में ही वोटिंग करने के लिए आई हुई थी। और जाहिर सी बात है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले यहां पर मतदान किया है, उसके बाद अब जाकर के कुछ खाना पीना या फिर जलपान होगा। तो अमूमन इन 51 सीटों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, लेकिन हमने आपको बताया कैसे पुलवामा में अभी ग्रेनेड अटैक हुआ है और बैरकपुर में भी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में स्कफल की खबरें हैं और यहां तक कि पुलिस वालों के ऊपर भी हाथ उठा दिए जाने की बात यहां से सामने आ रही है। तापस सेन गुप्ता बैरकपुर से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तापस, अभी क्या स्थिति है, लोग शांत हैं? बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है हालांकि, लेकिन अर्जुन सिंह जो थोड़ी देर पहले तकरीबन 8:30 के बीच एक जगह था जहां पर जिस बूथ पर वो जाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे तृणमूल के जो समर्थक हैं उनके साथ झड़प हो गई, फिर उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया था, वो कैमरे के सामने हुआ था, उनको मारा गया था, उनका जो होट है वहां से खून निकलना शुरू हुआ था, फिर वो कुछ जगहों पर अभी इस समय जो टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन है घूम रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं मैं एक बूथ के सामने खड़ा हूं जहां पे लोग खड़े हैं, सुबह से यहां पे काफी तादाद में लोग आ रहे थे और अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज है 9 बजे तक जो हमें दिखा है बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 13% का वोट डाला है लोगों ने, जो काफी हाई माना जा रहा है पिछले चुनाव के मुताबिक। तो इस समय हम कुल मिला के कह सकते हैं कि बैरकपुर में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ खबरें आ रही है हुगली जिले से, हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी से और हावड़ा से, जहां पे कुछ झड़प की बात खबर आ रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच और वहां पे फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। और बहरहाल आज जो इलेक्शन हो रहा है ये पहली दफा पश्चिम बंगाल में 100% बूथ कवरेज जो है वो सीएपीएफ कर रही है और पुलिस को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह जो झड़प हमने देखा, जो
बीजेपी के कैंडिडेट अर्जुन सिंह है उन पर हमला हुआ और उसके बाद जो एक जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बन चुकी थी, लेकिन इस समय सिचुएशन जो यहाँ पर है काफी शांतिपूर्ण है। ठीक है तापस, ये भी हमें बताएं कि ये जो 7 सीटें वेस्ट बंगाल की हैं और खास तौर से आपने कहा कि आप तो पैरामिलिट्री फोर्सेज ही पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, इसके बावजूद जो झड़प आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये 7 सीटें बहुत क्रूशियल हो जाती हैं और ममता दीदी के लिए नाक की लड़ाई है, बैरकपुर पे दिनेश त्रिवेदी है, और उसके अलावा यहां पर कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, क्या यहां पर बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है ये इलाका पूरा का पूरा, एक बहुत बड़ा बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रताप। हम इस समय रायबरेली में मौजूद हैं और आपको हम दिखा दें, रायबरेली का ये सिविल लाइन इलाका है जहां पे ये सत्यनगर इलाके का ये बूथ है जहां पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदान देने के लिए, और सुबह से ही तमाम लोग आ चुके हैं यहां पे, मतदान लगातार चल रहा है, अच्छी खासी संख्या में मतदान हो भी चुका है, और आपको दिखा दें यहां पे केंद्रीय पुलिस बल भी लगाया गया है, पीएसी और पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया है और तमाम फोर्सेस यहां पे डिप्लॉय की गई हैं, और लगातार यहां पर जो अधिकारी हैं, जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, वो भी लगातार सघन चेकिंग कर रहे हैं। और लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है ये रायबरेली का क्षेत्र जो कि सोनिया गांधी का क्षेत्र है, कांग्रेस के चेयरपर्सन का क्षेत्र है, इसलिए ये क्षेत्र अपने आप में वीवीआईपी हो जाता है। हम मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार क्या सोचते हैं मतदाता, क्योंकि ये रायबरेली का क्षेत्र है और यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, किस आधार पर वोट करना चाहते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, आखिरकार कहते क्या है, सोचते क्या है, इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या दिमाग में चल रहा है, किन आधार पर वोट करने जा रहे हैं? विकास, किसानों का हित, और जो फैक्ट्रियां चली गई वो यहाँ रुकना चाहिए, एको रुकी सब चली गई जो पहले की लगी हुई थी। ये हम तो जो है सबसे पहली चीज जो हमारा जो अपना सोचना है जो कि खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में भाईचारा, जो गंदगी फैल गई है आज देश में हिंदू मुस्लिम, इस आधार पर सबसे पहले ये आधार मेरा है। विकास अहम मुद्दा होता है, राष्ट्रवाद होता है, तो अपनी अपनी सोच है, कोई व्यक्तिगत सोच सोचता है, कोई राष्ट्र के लिए सोचता है, बस। तो ये तमाम मतदाता है रायबरेली के जो कि लगातार वोट कास्ट कर रहे हैं और सुबह से ही कतार लगी हुई है, और आपको दिखा रहे हैं व्यवस्थाएं भी यहाँ पर काफी बेहतर है क्योंकि मॉडल बूथ है ये, और उस हिसाब से यहाँ पे कई व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जो मतदाताओं के मन में है कोई विकासवाद को लेकर के यहाँ वोट कास्ट करने पहुंचा, कोई स्थानीय मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर है, और कोई रोजगार को लेकर के और औद्योगिकरण को लेकर के वोट कास्ट कर रहा है। कैमरा पर्सन साहब के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, रायबरेली। मतलब क्या सोच के साथ जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी, मोदी को जिताना है, आप लोग युवा हैं, देश बदलना चाहिए, देश के बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, पता करके वापस आना। अरे मोदी को जिताना है, भाजपा लाना है, और हमारे मोदी जी से अच्छा कौन है? मेरे हस्बैंड आर्मी में कर्नल हैं जी, और आई हूँ, बिल्कुल सही कैंडिडेट को आप वोट करें जो देश संभाल सके, देश की बागडोर जिसके भी हाथ में दें वो एकदम सही पर्सन हो, और क्योंकि बहुत बड़ा उसके ऊपर, उसके कंधों पे बहुत बड़ा भार है, छोटा मोटा भार नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी होशंगाबाद से सरस्वती चंद्र इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सरस्वती चंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे और तस्वीरें दिखा पाएं, वोटर्स में कितना उत्साह है, किस तरह की वोटिंग हो रही है, पूरी डिटेल से। देखिए यहाँ पर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो होशंगाबाद अपने आप में एक नाम इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्जुन सिंह जो है वो लड़े थे और वो हार गए थे, सुंदरलाल पटवा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो यहाँ से जीते हैं, और ये बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इस वक्त हम चलिए सीधे वोटर्स के पास चलते हैं, पारा की बात करें तो वो काफी अभी 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, लोगों से बात करते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप? देश हित के लिए, देश हित के लिए। अच्छा, क्या वादे जो उम्मीदें लगाए रखते हैं आप, क्या वो कैंडिडेट पूरा करता है या आपके यहाँ कैंडिडेट पूरा तो कोई नहीं कर पाता, उम्मीद होगा फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? विकास चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए,
देश की सुरक्षा। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा 75% जो आबादी है वो गांव में आबादी है, किसानों की आबादी है, क्या लगता है किसानों के लिए काफी कुछ किया गया जितना होना चाहिए? आप बताइए किसानों के लिए खेती करते हैं क्या? खेती करते हैं। अच्छा, कितना फायदा है खेती से आपको? मेहनत करना बहुत फायदा है। अच्छा, लोगों ने हमको बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि गाय जो है वो खुले में घूमती है, फसल आप लोग किसका जाती है? पूरी फसल का जाओ, खुले घूम रहे हैं। ये आपने आपने प्रतिनिधि से बात की कभी? प्रयास करते कुछ हुआ क्या? वादे तो करते ही गौशाला खुलेगी, गौशाला खुलेगी। तो गाय का मुद्दा होशंगाबाद में भी हावी है, यूपी में भी हावी है, हालांकि आज वो ज्यादा बेल्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल जो बनता है लगातार हर एक के जहन में, रोहित चहल, आपके पास बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था सोनिया गांधी के खिलाफ उतारने के लिए, आप कांग्रेस से पोच करके लाए दिनेश प्रताप सिंह को? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, एक लाइन कह के बात को मैं आंसर दे दूंगा। देखिए, गद्दारों के किले ढहेंगे राष्ट्रवादियों के वोट से, सांप नेवले एक हो गए मोदी जी के खौफ से। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा उसका परिणाम, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और जिस तरीके से दे दी जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड भागे हैं ना, पूरी बीजेपी में वायनाड छोड़ के भागे हैं वो, राहुल गांधी जी जिस तरीके से भागे हैं अमेठी की जनता, मैं बता रहा हूं, 2004 के अंदर 4 लाख, 9 के अंदर 2 लाख, फिर 1 के अंदर 14 के अंदर 1 लाख, उसके बाद 17 के अंदर 5 के बाद विधानसभा हार गए। राहुल गांधी हार के अमेठी से भागने वाले हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने लाइन बोली है। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप भी कोई लाइन बोलना चाहते हैं? और ये एब्सेंटी सांसद लगातार राहुल गांधी को बोला जा रहा है एब्सेंटी, लापता, उसके ऊपर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? देखिए आंचल जी, ये तो जनता बताती है कि कौन एब्सेंटी है और कौन एब्सेंट है और कौन मानसिक रूप से असंतुलित है। हम नहीं कहते, हम तो जनता जनार्दन है हमारे लिए तो। और सच्चाई ये है कि अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए राहुल गांधी जी का, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्मृति ईरानी जी का रिकॉर्ड उठा लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। चार करोड़ 70 लाख रोजगार आपने चोरी क्यों किए? आप खाद के चोर क्यों हैं? आप खाद के चोर क्यों हैं? आप राफेल चोर क्यों हैं? अरे आप चोर 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 मचाए चोर, आप अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर आप जिस तरीके से सोनिया जी का नाम आ रहा है, मिशेल मामा आके कह रहे हैं आज जेल से कौन बाहर है, नेशनल हराल के अंदर सोनिया जी जेल से बाहर है, राहुल गांधी बाहर है और जीजा जी बाहर है। अरे आप लोग बैलगाड़ी पे सवार हो रहा है, खानदान है, राहुल गांधी भीख मांग रहे हैं, चौकीदार प्योर है, सही बात आपने बोली, भीख तो हर कोई मांग रहा है वोटों की, बिल्कुल। सुनिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, एक मिनट सचिन पायलट क्या कह रहे हैं सुनते हैं तुरंत। लगता है आवाज में कोई दिक्कत है। और राजस्थान की भी 12 सीटों पर आज मतदान होना है। डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को देखा, जैसे ही ऑडियो दुरुस्त होता है आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज जारी है।